Hey guys, my name is Virendra Singh. Welcome to the eLearnam platform. आप सभी लोगों का स्वागत है इस पर्टिकुलर YouTube चैनल पे. होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे. इस पर्टिकुलर पैंडेमिक पे कई सारी चीज़ें चल रही हैं. अपने हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिए. फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ का सही होना भी बहुत ज़रूरी है. इसके लिए आप खुश रहें, पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करते रहें और अपने फैमिली और अपने दोस्तों इवन अपना भी ढेर सारा ख्याल रखें. नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं ढेर सारे इंटरव्यूज जो है आपके चल रहे हैं उनको कैसे टैकल करना है. कई सारे क्वेरीज मेरे पास आ रहे थे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू फॉर डिफरेंट डिफरेंट IITs एंड इंस्टीट्यूट्स जो कि इस वक्त तेजी से चल रहे हैं, ऑनलाइन इंटरव्यूज चल रहे हैं. सो लेट मी टेल यू कि लाइक आई हैव क्वालिफाइड मेनी इंटरव्यूज लाइक IIT BHU, IIT बॉम्बे एंड डिफरेंट डिफरेंट इंटरव्यूज क्वालिफाई तो किए थे. बट द टास्क वॉज लाइक कि वहाँ पे जो इंटरव्यू होता था वो ऑफलाइन हुआ था इंटरव्यूज, और आज के टाइम पर जो ज़्यादातर इंटरव्यूज हो रहे हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं. और ऑनलाइन इंटरव्यूज में कई सारी चीज़ें बड़ा मायने रखती हैं, तो मैं हर एक छोटे छोटे चीज़ों को कहते हैं कि कंसिडर करने की कोशिश करूँगा. सबसे पहली चीज़ आपका ड्रेसअप, सही तरीके से तैयार होना बहुत ज़रूरी है. एक प्रॉपर एक नाइस, हमेशा जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको एक फॉर्मल ड्रेस होना ज़रूरी है. फॉर्मल ड्रेसअप करें सही तरीके से, नीट एंड क्लीन होके प्रॉपरली पोस्चर में बैठने की कोशिश करें. कभी भी आप ऐसे लीन होके चेयर पे नहीं बैठना है कि हाँ अरे यार ठीक है बताओ, नॉट लाइक दैट. ठीक है, हमेशा पोस्चर जो होना चाहिए आपका कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि मैं एकदम स्ट्रेट आपको लगना चाहिए और कैमरे की तरफ फोकस करना है. स्क्रीन की तरफ आपको नहीं देखना है चीज़ें क्या चल रही हैं, फोकस ऑन द कैमरा सो दैट आई जो है वो आपके एजुकेटर्स आपके उस कॉन्फिडेंस को या जो आप एजुकेटर्स नॉट लाइक एग्जामिनर्स जो हैं जो इंटरव्यूअर्स हैं वो आपके आई कॉन्टेक्ट या आई को फील कर पाए, आपके कॉन्फिडेंस को फील कर पाए. जैसे कि मैं अभी आपको कैमरे में देखते हुए बोल रहा हूँ, सो यू कैन रिलेट विथ कि इस तरीके से आपको पता कनेक्टिविटी बनती है कि सामने वाला जो बोल रहा है वो उस तरीके से मेंटेन करना है. सेकंड थिंग, जो भी आपने एमटेक एमएससी या जहाँ पे भी बीटेक में थीसिस किया होगा, प्रोजेक्ट किया होगा, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अगर किया है तो उसकी तैयारी अच्छे से कर लेना. किस तरीके से काम किया था, कैसे काम किया था, वो सारी चीज़ें उसके बारे में, अगर कुछ आपको टॉपिक दे दिया जाए तो कैसे प्रोसीड करोगे, उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आइडिया पढ़ लेना. और एक अपना फ्यूचर कहते हैं कि कोई भी टॉपिक एक प्रिडिक्ट कर सकते हो कल को. कई सारे इंटरव्यूज़ में ये पूछ दिया जाता है कि व्हाट लाइक आगे फ्यूचर में क्या करोगे या क्या करना पसंद करोगे, तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि मुझे जो है इस टॉपिक पे या ऐसा सोच रहा हूँ मैं. तो वो आपको चेक करते हैं कि आपका दिमाग चलता है कि नहीं चलता, वो चीज़ आप कर सकते हैं. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जिसके ऊपर बात करते हैं, दैट प्रिपेयर बेसिक्स. इंटरव्यू क्रैक करने का ऐसा कुछ नहीं कि घोल पिला दिया और इंटरव्यू क्रैक हो गया. इसका कोई शॉर्ट फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि हर एक इंटरव्यूअर का माइंड अलग होता है और आपको जो होता है वो ट्रीट कराते हुए लेके जाता है. मतलब कि आपके ही नॉलेज में वो आपके ही क्वेश्चंस में फंसाने की कोशिश करेंगे. जब तक आपका बेसिक्स नहीं क्लियर होगा आप कहीं ना कहीं जाके फंसोगे. ठीक है, सो कोशिश ये करिएगा कि नहीं, जो कि आप जो भी BSc में पढ़ रहे थे, जो CSIR के प्रिपरेशन में पढ़ा है, जो भी आपने पढ़ा है वो तैयार करें ढंग से. अब बात आता है कि सब कुछ तैयार करें, जरूरी नहीं है सब कुछ तैयार करना. ये कितना तैयार करना है ये इस पे डिपेंड करता है कि आपने किस इंस्टीट्यूट के किस डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है. जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट पे अप्लाई करते हैं उसके किसी डिपार्टमेंट में, तो उसके साइट पे ज़रूर विजिट करें. वहाँ पे कितने प्रोफेसर्स हैं और किस एरिया में रिसर्च चल रहा है उस फील्ड से रिलेटेड बेसिक्स पे काम करें. ठीक है, ये नहीं कि अगर आप बायोमोलिक्यूल्स या आप मैं बात करूँ बायोकेमिस्ट्री के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन आप तैयार कर रहे हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स या कुछ और ऐसा जो कि उससे बहुत दूर है, तो ये फिर आपके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज में आ जाती है. तो इसीलिए जिस फील्ड के लिए आपने इंटरव्यू अप्लाई किया उससे रिलेटेड पढ़े, वही आपको एक तरीके से अच्छा बेनिफिट दिलाएगा. दूसरी ये चीज़, मतलब इसके आगे जो फोर्थ पॉइंट के ऊपर मैं बात करता हूँ, कि ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि मैं जितना कहते हैं कि आंसर दूंगा उतना अच्छा रहेगा. इट्स नॉट नेसेसरी. गलत आंसर देना ज़्यादा गलत होता है चुप रहने या एक्सेप्ट कर लेने से कि आपको नहीं आता. तो हमेशा अगर इफ़ यू डोंट नो एनी आंसर, कोशिश करिए कि सोचने की, अगर नहीं आता है तो से इट क्लियरली कि सर आई डोंट नो दिस आंसर, प्लीज़ आस्क मी द नेक्स्ट क्वेश्चन या समथिंग लाइक दैट. ठीक है,
और ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ आप जो है इस तरीके से कि हाँ गलत ही बोलूँ, बड़बड़ बड़बड़ बोलता रहूँ, ऐसा नहीं है। अपने फ्लो को, अपने साउंड प्रोनंसिएशन को, वैसे तो सब हर कोई यहाँ पे शशि थरूर नहीं बैठा हुआ है, बट लाइक जो भी आप बोल रहे हैं कोशिश करें काम हो के बोलने की। लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूँ कि सर माय नेम इज़ वीरेंद्र सिंह, आई हैव डन बीटेक एंड एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, आई एम करंटली परसुइंग पीएचडी फ्रॉम IIT BHU एंड आई वॉन्ट टू डेवलप वन पर्टिकुलर फील्ड या वन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग ऑनलाइन पढ़ सकें, समथिंग लाइक दैट, जो कि आप इस तरीके से एक नॉर्मल टोन में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हाइपर और बहुत ही ज़्यादा लो साउंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और फील कॉन्फिडेंट, बिकॉज पहली चीज तो जब चार लोग सामने होते हैं ना, थोड़ा सा ज्यादा और भी अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। यहाँ पे तो वर्चुअली आप इंटरव्यू दे रहे हैं और लैपटॉप पे दे रहे हैं, तो आपको वैसे भी नहीं देखना। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि टीचर्स को अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है कैमरे पे फोकस करो, स्क्रीन पे फोकस करोगे उन सबका बॉडी लैंग्वेज जो है आपको मे बी जो है डिस्ट्रैक्ट कर सकता है या आपको ऑफेंड कर सकता है या आप थोड़े से डीमोटिवेट हो सकते हो देख के कि यार ये लोग तो हंस रहे हैं मेरे जवाब पे। लेकिन जब आप कैमरे पे फोकस करोगे, स्क्रीन पे क्या चल रहा है लैपटॉप के आपको ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा। फोकस ऑन दिस एंड उसी तरीके से सुनिए और बोलिए सिंपल तरीके से। एंड इसके अलावा हम्बल थोड़ा सा रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड जैसा कि मैंने बात करा कि पढ़ना, कई सारे लोग जो हैं ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या पढ़ लेंगे क्या कर लेंगे, ज़्यादा कहते हैं हड़बड़ी मचाने की ज़रूरत नहीं है कंटेंट एंड ऑल को लेके। जो पढ़ा है उसी को एक दो बार रिवाइज कर लेना, अपने प्रोजेक्ट, अगर आपने प्रोजेक्ट किया है तो उसको अच्छे से पढ़ लेना और कोशिश करना कुछ बेसिक्स फार्मूलाज, कुछ बेसिक थिंग्स वो आपको ध्यान हो, क्योंकि कई सारे लोग जो होते हैं बेसिक्स फार्मूलाज पूछ देते हैं, बेसिक थिंग्स पूछ देते हैं जो आपको क्लियर नहीं होता। बार बार मैं बोल रहा हूँ, इंटरव्यू आपके बेसिक्स क्लैरिटी को देखा जाता है, रिसर्च एप्टीट्यूड को चेक किया जाता है, वो ध्यान रखें। अगर किसी भी पर्टिकुलर इंटरव्यू में आपसे राइटअप मांगा गया है, SOP या रिसर्च प्रपोजल मांगा गया है, तो जो आपने लिखा है वो आपको पता होना चाहिए कि आपने उसमें क्या लिखा है, कहां से पढ़ के लिखा है, क्योंकि कई सारे इंटरव्यूज में उसी रिसर्च प्रपोजल से आपको पूछ देंगे कि ऐसा आपने क्या किया था या ये कहां से लिया है, ये क्या कहना चाहते हैं आप। और अगर आपने कॉपी पे सिर्फ मारा है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, आपको पता ही नहीं होगा कि एक्चुअली वो सेंटेंस क्या कहना चाह रहा था और आपने क्यों लिया था, ठीक है। इसके अलावा जो आपने रिज्यूमे और CV भी दी जाती है तो, या जो आपने फॉर्म फिलअप में भरते हैं, तो उसमें सब कुछ क्लियर होना चाहिए कि अपने बोर्ड में कम परसेंट आए तो क्यों आए, ये चीज़ें आई तो क्यों आई, या कैसे टैकल किया, क्योंकि कभी कभी वो इस चीज़ पे भी ध्यान देने की कोशिश करते हैं। तो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो इंटरव्यू क्रैक करने का जो सबसे सिंपल एंड स्ट्रेट तरीका है कि अपने आप को फील करिए, अगर सजेस्ट फील करिएगा कि अगर आप एक इंटरव्यूअर होते उस IIT के, उस IISC के या उस इंस्टीट्यूट के, आप अपने बच्चे को किस क्वालिटी को देख के सेलेक्ट कर रहे होते हैं। अगर आप ये फील कर पाएंगे तो आप अपने अंदर पे उसी क्वालिटी को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। सो डेवलप दैट पर्टिकुलर स्किल। ये स्किल बचपन से ऐसे नहीं आती, धीरे धीरे वैसे ही इम्प्रूव होती है, बट ट्राई टू डू मॉक इंटरव्यूज, मॉक इंटरव्यूज देने की कोशिश कर सकते हैं खुद के साथ मिरर के सामने बैठ के, दैट आई एम वीरेंद्र सिंह, प्रैक्टिस दीज सम सेंटेंसेस। लाइक पहला क्वेश्चन ये होता है कि अच्छा वीरेंद्र बताइए, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इसका सेंटेंस फ्रेम होना चाहिए, व्हाट डू यू वांट टू डू इन फ्यूचर, PhD ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, यही इंस्टीट्यूट क्यों, ये सब क्वेश्चन के आपके पास जवाब होने चाहिए। और ये क्वेश्चन का जवाब कॉपीड मत लेना गूगल से सर्च करके, ये आपका खुद का होना चाहिए कि मैं इस इंस्टीट्यूट में क्यों आना चाहता हूँ और किस तरीके से मुझे इस फील्ड में क्यों काम करना है, मेरा इंटरेस्ट है, मुझे अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा है, जो भी चीज़ें हैं वो आप अपने आप से रिलेट करके जवाब दीजिए, क्योंकि कॉपीड आंसर देंगे इंटरव्यूअर को तुरंत पता चल जाएगा कि ये तो कॉपी आंसर कर रहा है, ठीक है। सो चलिए, बी लॉयल टू योरसेल्फ, बी रियलिस्टिक एंड बी कॉन्फिडेंट, यू विल क्रैक द इंटरव्यू। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मैं हूँ एंजाइम तो आप है सबस्ट्रेट, मैं हूँ एंजाइम तो आप है सबस्ट्रेट, CSIR को पाने में अब ना होगा लेट, एक्टिवेशन एनर्जी कम करके कर दूंगा मैं एक्टिवेट, प्रोडक्ट बनके आप सपने लेना लपेट, मैं पढ़ाऊंगा सारे यूनिट स्मार्टली और इफिशियंटली, जिससे आप क्रैक कर पाएंगे CSIR 2021 को क्विकली एंड कॉन्फिडेंटली। मेरे कोर्सेज शुरू हो रहे हैं अनअकैडमी प्लस से 7 दिसंबर में, और पाइए हर महीने 2 नए कोर्सेज सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी प्लस पे। जुड़िए हमारे साथ अनअकैडमी प्लस पे और पाइए अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, ऑर्गेनाइज्ड नोट्स,
रिकॉर्डिंग्स, डाउट सेशन, स्मार्ट कोड्स एंड एनालॉजीज का पावर बूस्टर सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में। तो अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब करना ना भूले, इंस्टॉल करिए लर्निंग ऐप एंड जुड़ जाइए मेरे साथ और मेरे प्रोफाइल पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन को देख लीजिए। यूज करिए रेफरल कोड विरेन और विरेन लाइव टू गेट द 10% डिस्काउंट। चलिए मिलके करते हैं आपके सपने को पूरा सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में। जुड़िए हमारे साथ अनअकैडमी प्लस पे। लेट्स क्रैक इट।